हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपकी आरबीएसई की क्लास फोर्थ के चैप्टर 8 अबाउट द जंगल इस चैप्टर पर एक वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम इस चैप्टर को रीड करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। ये जो चैप्टर है अबाउट द जंगल, चलिए इसे शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हमें एक छोटी सी पोएम दी गई है, अ ट्रेन मूव्ड इन द जंगल, जंगल में एक ट्रेन चली, प्लेड गेम वाइल रनिंग, चलते समय उसने खेल खेले। क्या खेल खेला? एलिफेंट अंकल बिकेम द इंजन, जो एलिफेंट अंकल थे वो इंजन बन गए। Wearing कुर्ता एंड पजामा, इंजन बन गए हाथी मामा, पहने कुर्ता और पजामा। Holding his tail brother tiger moved and fun prevailed, पूंछ पकड़कर उसकी भाई शेर चला और मस्ती छाई। Following him bear and monkey, पीछे उसके भालू बंदर। So beautiful the bogies look, डब्बे लगते कितने सुंदर। डियर केप्ट ब्लोइंग द विसल, चीतल शोड द ग्रीन फ्लैग। सिटी हिरन बजाता जाता, चीतल झंडी हरी दिखाता। ट्रेन मूव्ड बाई ट्रेन मूव्ड, रेल चली बाई रेल चली। डूइंग छुक छुक द ट्रेन मूव्ड, छुक छुक करती रेल चली। देखो बच्चों, आप ये जो देख रहे हो ना, जो हमारी स्टार्टिंग थी, इंजन बन गए हाथी मामा, तो ये हाथी है, ये एलिफेंट है, ये इंजन बन गए और उसकी पूंछ पकड़कर शेर चला, उसकी पूंछ पकड़कर शेर चल रहा है, उसके पीछे भालू हैं, उसके पीछे बंदर हैं, और लास्ट में क्या है, आप इधर देख रहे हो ना, लास्ट में हमारे क्या है, उसके लास्ट में उसके पीछे है चीतल, उसके पीछे है सिटी। कौन बजा रहा है? लास्ट में देखो, हिरन सिटी बजा रहा है। तो इस तरह से ये हमारी ट्रेन जो है ये चल रही है। अब हम आगे चलते हैं। ट्रिप टू सेंचुरी, अभयारण्य की सैर। सेंचुरी मतलब होता है अभयारण्य। देखो ये चित्र है, फिगर 8.2, विजिट टू द सेंचुरी, अभयारण्य की सैर। टुडे सैजल, आज सैजल, तन्वी, प्रकाश एंड बंटी आर विजिटिंग रणथंभौर सेंचुरी विद मामा जी। आज सैजल, तन्वी, प्रकाश और बंटी मामा जी के साथ रणथंभौर अभयारण्य देखने आए हैं। There are battery operated vehicles here, यहाँ पर बैटरी से चलने वाली गाड़ियां हैं, क्योंकि जो दूसरी गाड़ियां होती है ना, वो गाड़ियां शोर मचाती हैं, इसलिए वहां पर कौन सी गाड़ियां चलती हैं, वहां पर बैटरी से चलने वाली गाड़ियां चलती हैं। They will set in these vehicle and make a trip ऑफ द सेंचुरी, वो इन गाड़ियों में बैठकर सेंचुरी की या अंदर जाएंगे, सेंचुरी की यात्रा करेंगे। दीज व्हीकल्स नीदर इमिट स्मोक नॉर कॉज नॉइस, इन गाड़ियों से ना तो धुआं निकलता है और ना ही शोर होता है। आपने अपने शहर के अंदर बैटरी से चलने वाले रिक्शा देखे होंगे ना, उन रिक्शा से कोई धुआं नहीं निकलता है, कोई शोर नहीं होता है, बस ऐसी ही ये गाड़ियां हैं। ऑल एनिमल्स लिव हेयर इन देयर नेचुरल हैबिटेट, यहाँ सभी जानवर अपने प्राकृतिक हैबिटेट परिवेश में रहते हैं। जैसे आपने चिड़ियाघर देखा होगा, तो चिड़ियाघर में क्या होता है, सभी जानवरों को पिंजरे में रहना पड़ता है, जबकि अभयारण्य में सभी जानवर प्राकृतिक रूप से रहते हैं। महेश भैया who knows a lot about animals in the sanctuary is also with the children, महेश भैया
भी उनके साथ हैं जो अभयारण्य के एनिमल्स के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। Children saw a herd of black bucks eating green grass and leaves. सबसे पहले बच्चों ने क्या देखा? ब्लैक बक। ब्लैक बर्क होता है बच्चों चिंकारा, ये देख रहे ना, अब ये ब्लैक बर्क जो होता है ये चिंकारा होता है। उन्होंने सबसे पहले किसका झुंड देखा? ब्लैक बक का, जो कि घास और पत्तियां खा रहा था। उसको देखते ही बंटी क्या बोला? लुक, दोज ब्लैक बक्स हॉर्न्स आर सो बिग एंड ट्विस्टेड। उसने क्या बोला? देखो उस ब्लैक बक के जो सींग हैं, हॉर्न होते हैं सींग, वो कितने बड़े बड़े हैं और ट्विस्टेड है और घुमावदार है। ये देखो बच्चों, यहां आप देख रहे हो ना, ये जो इनके सींग जो है ये सीधे हैं, कईयों के सींग घुमाव वाले होते हैं। देयर आर सम विद स्मॉल हॉर्न्स आल्सो, और कुछ के तो सिंह छोटे हैं। तो महेश भैया ने क्या बोला? चिल्ड्रन यू मेड गुड ऑब्जर्वेशन, तुमने बड़ा ध्यान रखा। ब्लैक बर्ग्स विद बिग हॉर्न्स आर मेल्स एंड दोज विद स्मॉल हॉर्न्स आर फीमेल। तो ये देखो बच्चों, जिनके ये बड़े बड़े हिरन हैं ये तो नर हैं, और जिनके ये हिरन छोटे, जिनके ये जो सींग छोटे छोटे हैं वो कौन है? वो मादा है। वन थिंग स्पेशल अबाउट देम इज दैट दे कैन सर्वाइव इवन व्हेन वाटर इज स्कैर्स। एक बात और भी है कि अगर पानी की कमी भी हो जाए तो चिंकारा जिंदा रह सकते हैं। दे फाउंड मैनी मंकीज ऑन ट्रीज, उन्होंने पेड़ों पर बहुत सारे बंदर देखे। दोज मंकी वर हैविंग फन कैचिंग होल्ड ऑफ ईच अदर्स टेल, वो जो बंदर थे वो एक दूसरे की पूंछ पकड़कर मस्ती कर रहे थे। चिल्ड्रन सा अ स्मॉल बेबी ऑफ अ मंकी क्लिंगिंग हिज मदर एंड द मदर मंकी जंप्ड ऑन अनदर ब्रांच कैरिंग द चिल्ड्रन। उन्होंने देखा कि बंदरों का एक छोटा सा बच्चा था जो कि अपनी माँ से चिपक गया था और उसकी माँ उसे लेकर दूसरी डाली पर कूद रही थी। अब दूसरा उन्होंने बोला, बंटी बोला, लुक वन मंकी इज पिकिंग लीस फ्रॉम द हेयर ऑफ अनदर मंकी। लीस होता है जू, जब बच्चे कई बार आप नहाते नहीं हो ढंग से, बालों में कंघा वगैरह नहीं करते तो हमारे बालों में जुएं पड़ जाती हैं। तो उसने कहा देखो एक बंदर दूसरे बंदर के बालों से जुए निकाल रहा है। आगे देखिए प्रकाश बोलता है, लुक देयर विच इज दैट एनिमल विच लुक लाइक अ डियर एंड अ काउ। देखो वो कौन सा जानवर है जो गाय और हिरन जैसा लगता है? सेजल, Yes, see, some of these are big and dark blue in color, some are brown. इनमें से कुछ तो बड़े बड़े और गहरे नीले रंग के हैं और कुछ भूरे रंग के। तो प्रकाश ने बताया This is blue bull. ये नील गाय हैं, जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं ना, या इस चित्र में आप देख रहे हैं बच्चों, ये देखो ये क्या है? नील गाय हैं। The ones brown in color are female. जो भूरे रंग की हैं वो तो मादा हैं। The ones black, dark, blue in color are male. और जिनका काला नीला रंग है वो मेल हैं, वो नर हैं। Sometimes they enter the fields and cause harm to crops. कई बार वो खेतों में घुसकर फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। फिर तन्वी बोली, लुक पिक्स, अरे देखो सुअर। महेश भैया ने बताया दीज आर वाइल्ड बोर्स, ये तो जंगली सुअर हैं। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड देयर हर्ड्स टू एंटर द क्रॉप फील्ड एंड कॉज होम। ये बहुत ताकतवर होते हैं और इनके झुंड भी खेतों में घुसकर फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट है वाचिंग द टाइगर, बाघ को देखना। ये आप देख रहे हो ना, ये एक टाइगर है। बंटी ने कहा, बंटी महेश भैया when we will be able to see the tiger, we want to see it, हमें टाइगर कब नजर आएगा, हम उसे देखना चाहते हैं। महेश भैया ने बोला there is a lake ahead, आगे एक झील है, एक तालाब है, tigers come there to drink water, वहां पर टाइगर आकर पानी पीते हैं, दे कैन बी सीन देयर, और हमें वहां दिखाई दे सकते हैं। ऑन द वे चिल्ड्रन सा मैनी एनिमल्स, रास्ते में बच्चों ने बहुत सारे जानवर देखे, जैसे पीकॉक, मोर, रैबिट, खरगोश, मंगूस, नेवला वगैरह। रोमिंग अराउंड दे रीच्ड द एंड ऑफ द लेक, घूमते घूमते वो उस तालाब के किनारे पर पहुंच गए, आखिरी किनारे पर पहुंच गए। दे वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, वहां उन्हें बहुत इंतजार करना पड़ा। सडनली महेश भैया आस्क्ड एवरीवन टू बी क्वाइट, अचानक महेश भैया ने सबको कहा चुप हो जाओ। महेश भैया ने कहा लिसन टू द साउंड ऑफ मंकीज एंड स्पैरोज, सुनो बंदरों और चिड़िया का शोर सुनो। अ टाइगर इज देयर समवेयर क्लोज बाय, पास ही कहीं एक टाइगर है। ऑल ऑफ देम स्टार्टेड लुकिंग अराउंड केयरफुली, सब ने इधर उधर ध्यान से देखना शुरू कर दिया। ए लिटिल अहेड दे सा दैट फ्रॉम द बुशेस अ टाइगर वॉकिंग स्लोली टुवार्ड द लेक, थोड़ा ही आगे उन्होंने क्या देखा कि झाड़ियों से निकलकर एक टाइगर आराम से चलता हुआ पानी पीने पहुंचा। ठीक है, मामा जी took many pictures of the tiger from his camera, मामा जी ने अपने कैमरे से उस टाइगर के बहुत सारे चित्र लिए। After the tiger left, महेश भैया informed that tiger usually lives alone, जब वो टाइगर चला गया तो महेश भैया ने बताया कि वैसे तो टाइगर हमेशा अकेले रहते हैं। While a tigress keeps her cubs till the age of 1 to 1.5 years with herself, जबकि जो टाइगरेस है, जो बागन है, वो अपने बच्चों को 1.5 साल तक अपने साथ रखती है। कब होते हैं टाइगर के बच्चे? She teach them to identify sounds, वो ही उन्हें आवाज पहचानना सिखाती है, हंट करना, शिकार करना सिखाती है, pounce upon, झपट्टा मारना सिखाती है। Their sense of smell is very strong, उनकी सूंघने की ताकत बहुत तेज है, and they can see at night also, और वो रात को भी देख सकते हैं। अब है pain of animals, जानवरों का दर्द। Sazer, I have seen tigers in zoo also, but the fun of watching them in sanctuary is much different. सेजल ने कहा कि मैंने चिड़ियाघर में भी जानवरों को देखा है, पर यहाँ अभयारण्य में उनको देखना बहुत अच्छा लगता है। प्रकाश बोला यस, द पुअर चीतल इन जूज आर नॉट इवन एबल टू हूप इन द मैनर दे डू हेयर, तो उसने बोला कि चीतल जो थे वो तो चिड़ियाघर में इस तरह से हूप, कुलाचे नहीं मार सकते थे। जैसे आपने कभी किसी हिरन वगैरह को दौड़ते हुए देखा हो ना, तो वो अलग तरीके से दौड़ते, उसे हम कहते हैं कुलाचे मारना। महेश भैया, इन क्लोज केजेस वेयर इज दिस फ्रीडम फॉर देम, उन्होंने बोला कि बंद पिंजरे में उन्हें आजादी कहाँ है। चिल्ड्रन थिंक, बच्चों सोचो, इफ समवन टेक्स यू अवे फ्रॉम योर फैमिली एंड ट्रैप्स यू इन अ केज,
हाउ विल यू फील कि अगर आपको कोई आपके परिवार से अलग कर कर आपको एक पिंजरे में बंद कर दे आपको कैसा महसूस होगा. सो पीपल नाउ आर इन फेवर ऑफ लेटिंग एनिमल लिव फ्रीली इन देयर नेचुरल हैबिटेट. इसीलिए अब लोग जानवरों को खुले में उनके जो प्राकृतिक हैबिटेट है प्राकृतिक पर्यावरण है उसको अंदर रखने के पक्ष में है. We should also feel the pain of animals. हमें भी जानवरों के दर्द को समझना चाहिए. तो बच्चों इस चैप्टर से हमने क्या सीखा. Sanctuaries have been made to provide protection to animals in their natural habitats. जानवरों को उनके प्राकृतिक पर्यावरण में बचाए रखने के लिए संरक्षण देने के लिए अभयारण्य बनाए गए हैं. डिफरेंट एनिमल्स शो डिफरेंट बिहेवियर. जानवर अलग अलग जानवर अलग अलग तरह का व्यवहार दिखाते हैं करते हैं. सम एनिमल्स लिव इन ग्रुप्स वाइल सम लिव अलोन. कुछ जानवर झुंड में रहते हैं जबकि कुछ अकेले रहते हैं. जैसे हमने देखा कि बंदर झुंड में रहते हैं, नीलगायें और चिंकारा ये झुंड में, चीतल झुंड में रहते हैं जबकि शेर जैसे कुछ जानवर अकेले रहते हैं. वी शुड नॉट डिस्टर्ब द एनिमल्स एंड शुड हेल्प देम. हमें जानवरों को परेशान नहीं करना चाहिए बल्कि उनकी मदद करनी चाहिए. देयर प्रॉपर डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ओनली इन देयर नेचुरल हैबिटेट. उनका जो सही विकास है वो उनके प्राकृतिक परिवेश में ही हो सकता है. तो स्टूडेंट्स इसके बाद अब हम देखते हैं. फॉरेस्ट आर आवर नेचुरल वेल्थ. देयर प्रोटेक्शन इज आवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी. जो जंगल है वो हमारी प्राकृतिक संपदा है और उनका संरक्षण करना उनकी सुरक्षा करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है. तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आपको जिस टॉपिक पर वीडियो बनवाना हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बनाएं. आपने अपना कीमती समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. अगली क्लास में हम मिलेंगे जब तब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को करेंगे. थैंक यू.